एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जाट दो सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप लोगों को हमारे चैनल पाक अपडेट 24 हॉर्स पर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत, इसमें जंगल राज है और ये अपनी फौज के साथ क्या हल करते हैं, ये कोई पहली वीडियो नहीं है, ऐसी हज़ारों वीडियो हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि बीजेपी हुकूमत का ये हाल है कि भारत में इनके फौजियों के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो आम आवाम के साथ क्या इंसाफ होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कैसे एक फौजी अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए इंसाफ मांग रहा है। ये तो इनकी फौज का हाल है और आम आवाम का क्या बनेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तैनात हूं, सेना में कार्यरत हूं। क्या हुआ, क्या घटना हो रही? सर, मैं पूरे धनी पुठाई का रहने वाला हूं और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूं, कार्यरत हूं, सैनिक हूं। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर ज़बरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं हैं, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा, उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम अप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जाट दो सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए। तुम मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चलान करो। किसी तरह वहाँ से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ अब। आया बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4,000 रुपये दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई, क्या ज़रूरत थी जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे। किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कांस्टेबल हैं थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो रो के वहीं बताया कि सर मेरे को मारा है, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया। बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से, क्या करें? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के।